हाँ भाई, क्या हाल है भैया? सब मैं मौजूद हूँ हेलसिंकी फिनलैंड में। फिनलैंड जो कि एजुकेशन के मामले में नंबर वन है दुनिया में, और वो नंबर वन क्यों है, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। ये ऑडी लाइब्रेरी हेलसिंकी में है, ये तकरीबन 10 करोड़ यूरो यानी 36 अरब रुपए पाकिस्तानी में बनी है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट 11 अरब में बना था, तो सोचो उससे 3 गुना ज़्यादा कीमत से खाली ये लाइब्रेरी बनी है। और यहाँ पे सिर्फ किताबें नहीं, यहाँ पे बच्चे वीआर गेम्स भी खेलते हैं, यहाँ पे 3D प्रिंटिंग भी होती है, यहाँ पे लोग 3D से चीज़ें बनाते हैं, म्यूज़िक का स्टूडियो है, लोग सो भी रहे होते हैं, गेमिंग रूम्स भी हैं, ग्रुप मीटिंग रूम भी है, यानी कि फुल ऑन एक्टिविटी है। और एक इंसान के लिए, एक फैमिली के लिए बड़ा ज़बरदस्त हैंग आउट है। और यहाँ लाइब्रेरी में मैंने कहीं नहीं देखा साइलेंस प्लीज दिखाओ, बच्चे यहाँ आते हैं, फैमिलीज यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं, और यहाँ लाइब्रेरी अपनी रोबोट काम करते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। आइए आपको चल के दिखाते हैं। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर पे इंफॉर्मेशन सेक्शन है और साथ में छोटा सा कैफेटेरिया है। यहाँ पे लोग शतरंज खेल रहे हैं, बच्चों को सिखा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, दिमागी खेल खेल रहे हैं। आगे ये थोड़ा सा मुझे ऑडिटोरियम लग रहा है। सो मल्टीपल फ्लोर्स, आई थिंक 3 फ्लोर हैं इसके। मैं ऊपर जाके चेक करता हूँ। मुझे के सामने रेस्टोरेंट भी है, ताहिर है घंटों अगर आप लाइब्रेरी में गुजारेंगे तो आपको भूख भी लगेगी, तो कहीं और जाना ना पड़े, आपको यहीं पे सब मिल सकता है। ये मुझे लग रहा है कि कोई आई थिंक ऑडिटोरियम है। ये देखें, मेक शिफ्ट ऑडिटोरियम है। इसको यूँ खींचेंगे तो उसकी सीट्स नीचे आ जाएंगी गालिबन, और ये फिर 70-80 लोगों का एक ऑडिटोरियम। आई थिंक बुक लॉन्च वगैरह यहाँ होती है। देखें प्रॉपर सेटअप लगा हुआ है, ताकि बिल्कुल एक सेलिब्रिटी जैसे फिल्मों की जैसे रेड कारपेट होता है ना, किताबों के भी रेड कारपेट करते हैं लोग। तो यहाँ पे कैफेटेरिया चल रहा है। ये लाइब्रेरी है भाई, मॉल शॉल नहीं है, सोचे जाओ। अच्छा जी, जिस तरह लाइब्रेरी से हम बुक्स, ये देखें रोबोट आपको बुक ला के देता है, बुक इशू करवाते हैं, और ये बुक रिटर्न हो रही है। ये बच्ची लेके गई होगी और ये मशीन के ज़रिए रिटर्न करवा रही है। इसका कोई ना कोई लाइब्रेरी कार्ड वाला मैकेनिज्म होगा, और ये इसने किताब वापस कर दी है। और ये किताब देखें ऑटोमेटिक तरीके से जैसे एयरपोर्ट पे सामान जाता है, ये किताब जा रही है और रोबोट इसको इसी शेल्फ में ले जाएगा ताकि कल को कोई दूसरा पढ़ सके। इसने रसीद निकाल ली, क्या बात है। अच्छा जी, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, मतलब स्नो ब्रदर चल रहा है। अच्छा जी, अगर आपके पास लाइब्रेरी कार्ड है तो आप ये तमाम इंस्ट्रूमेंट बोरो कर सकते हैं, वहाँ पे स्टूडियो है, म्यूज़िक बजा सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं। ये क्वाइट एरिया है, यहाँ पे आप ज़रा रिलैक्स कर सकते हैं। ये मल्टीमीडिया कंप्यूटर्स मौजूद हैं, किसी ने अगर कोई रिसर्च वगैरह करनी है सारे यहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे लेज़र प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, ये कटिंग है, ये सारा सामान देख रहे हैं, इट्स ऑल फॉर फ्री। सिवाय अगर किसी को कोई प्रिंटिंग चीज़ें चाहिए हो उसकी एक स्मॉल फ़ी है, अदरवाइज़ ये वाइनल कटर देख रहे हैं आप, ये देखें बच्चे किस तरह काम कर रहे हैं। ये अर्बन वर्कशॉप है, ये सिलाई मशीनें रखी हुई हैं, इस्त्री भी रखी हुई है, अगर किसी ने जैकेट बनानी है, कपड़े बनाने, पूरा एक लर्निंग का पूरा माहौल है। और फिर ये देखें ये रिलैक्सिंग एरिया है, अपने हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं। अब ये सारे 3D प्रिंटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब चल रहा है, ये सब बच्चों ने चीज़ें बनाई हुई हैं। देखें टूल्स हैं इन बच्चों को, ये दुनिया खड़ी करके दे देंगे आपको, तो मेरा मानना है भाई, जितना हम बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हम कामयाब होंगे। ये देखें आप, ये फिनिश लिखी है, मुझे आती नहीं है। अब ये भी मेरे ख्याल से किसी किस्म का 3D प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से, यस। जैसे कि आप चेक कर रहे हैं, सिर्फ 70 पैसे यानी यूरो से भी कम, 200 रुपये में आपको अच्छी प्रिंटिंग मिल जाएगी। ऊपर के फ्लोर हैं। अब यहाँ पे अगर किसी ने अपनी मीटिंग्स वगैरह करनी है, ये देखिए डिज़ाइन कर रही है लड़की बैठी हुई, ये आप रूम्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखें रीडिंग रूम है, पढ़ने खामोशी है, ये हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अब ये देखें यहाँ गेम रूम है, VR पे अच्छा गेम खेल रहे हैं। बच्चों के लिए जितनी अट्रैक्टिव आप बनाएंगे उतने ही बच्चे आएंगे। ये म्यूज़िक स्टूडियो है, यहाँ पे आप गिटार विटार लेके म्यूज़िक व्यूज़िक जो बजाना है या जो बनाना है फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं फैसिलिटी। पौधे के सामने म्यूज़िक हो रहा है,
फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ग्रुप रूम है, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले फ्लोर की तरफ। ओह गॉड, लुक एट दैट यार। ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें, यहाँ पे ना कोई ममासलत नहीं है कि बच्चे लेटे हुए क्यों हैं, बैठे हुए क्यों हैं। वो कह रहे हैं बच्चे आएँ बाहर, नशे ना करें, अंदर आके बैठे। देखिए सॉर्ट ऑफ अ प्ले एरिया है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऑल द वे अप। बच्चे वहाँ जाके बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, काम हो रहा है, बच्चे शोर कर रहे हैं, कोई मसला नहीं एज लॉन्ग एज बच्चे आ रहे हैं। ये मुस्तकबिल है, इनको भगाते नहीं है यहाँ से। ये देखो सो रहा है, कोई आके इसको नहीं बोल रहा भाई साहब ये सोने की जगह नहीं है। वो कह रहा यार आया हुआ है ना, कुछ पढ़ के ही जाएगा, होमलेस तो है नहीं। बाहर कैफेटेरिया है, आपने धूप के मज़े लेने, वहाँ बैठ के पढ़ें। ये कुर्सी है, नज़ारे करें। वो हज़ार साल पुराना कैथेड्रल भी नज़र आ रहा है। इस तरह के पॉड्स हैं। अब आप इनके ना डिज़ाइन और स्ट्रक्चर पे फोकस ज़रा करें कि ये कितना इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। कैफेटेरिया भी चल रहा है, चिप्स पानी बिस्किट सब चल रहा है। अब ऐसी चीज़ हमारे शहरों में हो किसका दिल ना करे। अरे भाई ये क्या स्लट स्टेशन, ये कौन सा स्टेशन है भाई। ये बच्चों का सेक्शन आ गया, बच्चों की किताबें इंडेक्सिंग हुई भी। यहाँ ज़्यादा शोर ज़्यादा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। वो देखो माँ किताब पढ़ा रही है बच्ची को, क्यों ना हमारी माँ क्यों नहीं पढ़ाएंगी। उनको ऐसा माहौल मिलेगा, वो भी जाएंगी, शौक से जाएंगी। किसका शौक नहीं होता अपनी औलाद को अच्छी तालीम देना, तरबियत देना। चले वहाँ बच्चे हैं, यहाँ मैं ज़रा अवॉइड करूँगा, ये लोग ज़रा सेंसिटिव होते हैं बच्चों के मामले में, रोना भी चाहिए। मगर ये ज़रा ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया बच्चों का पूरा प्ले एरिया। बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, मुल्क का मुस्तकबिल है भाई। देखो आज इंट्रीक होगा, कल कुछ बना भी लेगा। यही थॉट होती है इनकी कि इनको इंस्पायर तो करो, कुछ दिखाओ तो सही, कोई एक्सपोजर तो दो। आज वो ये चीज़ें देख रहा है, कल इसी को लेके कुछ बना लेगा। आज फिक्शन पढ़ रहा है, कल उसको नॉन फिक्शन कर देगा। ये भाई इन्फ्लुएंसिंग भी चल रही है यहाँ पे। बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस है, बंदा पूरा पूरा दिन गुजार देगा। अच्छा भाई, ये लाइब्रेरी का आउटर डेक है, आप किताब लेके यहाँ बैठ जाएं, सनबेथिंग भी करें, कॉफ़ी भी पिए। इतनी मज़े की हवा चल रही है, आप ये व्यू चेक करें, घास का ये रंग देखें, आप कुदरत के नज़ारे देख करें। यार क्यों नहीं मज़ा आएगा आपको, क्यों नहीं पढ़ेंगे लोग किताब, बिल्कुल पढ़ेंगे, माहौल तो दें उनको। ये देखें भाई, ये रोबोट है। नीचे जो मैंने आपको दिखाया था लड़की किताब वापस कर रही थी, वो स्कैन होती है और वो फिर रोबोट जो है उसको पिक करता है। और चूंकि उसमें कोड लगा हुआ है, ये रोबोट खुद से जाके उस शेल्फ पे ले जाएगा। अरे भाई नौकरियां खा जाते हैं भाई रोबोट को। चेक करें आप, ये सारी किताबें ये रिटर्न आई हुई है, ये जमा कराने के लिए लाया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ का लाइब्रेरियन है, ये इसने आइडेंटिफाई किया। अब ये इसको रखने जा रहा है। बास्केट लाके इसने यहाँ स्टेशन पे डॉक पे रख दी। अब यहाँ से जो है इसको आई थिंक मैनुअली, जाहिर है रोबोट तो हाथ से नहीं निकालेगा, आई डेंट सी एनी रोबोट लाइक दैट। ये यहाँ रख के चला गया कि जी ये किताबें इस सेक्शन की हैं। तो नीचे जो किताबें, जैसे जिस तरह लगे जाते हैं ना एमिरेट्स एयरलाइन में, तो आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट का लंदन वाला आपके जो बैग में बार कोड लगा होता है, लंदन वाले बैग उधर कर देता है और जो है न्यूयॉर्क वाले उधर कर देता है। इसी तरह ये सेक्शन वाइज किताबें उस पर्टिकुलर सेक्शन में ला के रख रहा है। अब यहाँ पे आके जैसे वो लाइब्रेरियन सामने हैं, वो इस बास्केट से इनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक एक शेल्स नहीं कवर करनी पड़ेगी, वो यहीं से सब कुछ कर लेंगे। दिस इज़ जीनियस। अच्छा जी, अगर आपको ऑनलाइन कोई किताब नज़र आई है जो आपको चाहिए, आप रिज़र्वेशन करा दें, तो लाइब्रेरियन जो है ये पिकअप रिज़र्वेशन पर ला के यहाँ रख देगा। और आपको आपको कोड आ जाएगा कि जी 122 नंबर पर आपकी किताब है, 93 नंबर पर है या 74 नंबर पर है। तो ये पिकअप है, पिकअप इस तरह होता है मैनुअली, और रिटर्न जो है वो आपने जैसे देखा रोबोट के ज़रिए किया जाता है। अच्छा जी, मैं बिल्कुल रैम के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से जो लाइब्रेरी का व्यू है, ब्यूटीफुल, ये ऊपर से पूरा व्यू है। ये खाली इस फ्लोर का, नीचे अलग फ्लोर्स भी हैं। ये देखें लोग किताबें वापस कर रहे हैं और वो QR कोड के ज़रिए मशीन में
जिस तरह एयरपोर्ट पे सामान जाता है, ये वापस जा रही है और मुतालिका रोबोट के पास चली जाएगी और ये देखा रुक रुक के जा रही है कौन सी शेल्फ पे कौन से फ्लोर पे है, वहाँ का रोबोट उसको आराम से ले जाएगा और ये रसीद लेके घर चले जाएंगे। नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये इसका आप एक्सटीरियर चेक करें, आप डिज़ाइन ही देखें, पूरा शिप की तरह बना हुआ है। आई थिंक फिनिश पीपल और इनका किश्तियों से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, वाइकिंग्स ही रहे हैं सारे आसपास के लोग हैं, तो शायद ये उसकी ममासलत है। मुझे इसके डिज़ाइन के बारे में हिस्ट्री नहीं पता। अच्छा, अंदर खेलने का अलग था, बाहर आउटडोर भी दिया हुआ है, बास्केटबॉल है, पार्क है, ये सब दिया हुआ। और ये सब पार्लियामेंट के सामने हो रहा है और कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रेड जोन नहीं भाई, ना 3 में ना 13 में, ना इनका किसी से पंगे, ना इनकी किसी से लड़ाइयाँ, ना इनका किसी से कोई भाई मसले मसाइल। अपनी धुन में मस्त हैं, खुशहाल हैं, रह रहे हैं प्यार से, ना कोई क्लैशन को दिखी जब से आया हूँ, ना कोई सिक्योरिटी पे रोक रहा है, पार्लियामेंट सामने आपके। सोचें ज़रा ये मुल्क क्यों है यहाँ क्लैशन को क्यों नहीं दिखी। अच्छा, ये चूँकि बाहर बारिश हो रही है तो हल्की सी ठंड हो गई है, तो मैंने सोचा पहले हॉट चॉकलेट नोश फरमा लें ताकि हरारत जिस्म में अच्छी रहे। अच्छा, मेरे जो पाकिस्तानी होस्ट हैं उन्होंने कल ये बात बार बार बताई कि यहाँ अगर आप कहीं क्यू में खड़े और आपके पीछे लंबी लाइन लग जाए और आपको सामान देने में देर करें तो कोई चूँ चाँ नहीं करता, सब आराम से चुपचाप खड़े रहते हैं, नोबडी इज़ रूड हियर।